कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है, आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है बाला लखंदर। एक राजा के जो भी संतान होती थी वो मर जाती थी। राजा रानी बहुत दुखी थे। एक ज्योतिषी आए, उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई नागिन है जो बच्चों को खा जाती है। कई बच्चों के मरने के बाद एक पुत्र रानी के घर में आया तो कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी गई। बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया बाला लखंदर। राजा रानी ने तमाम तरह के पूजा पाठ किए, दान दक्षिणा भी दी। ज्योतिष ने कहा कि लोहे का महल बनवाइए जिसमें चींटी भी न घुस सके, और ऐसे महल के भीतर महल बनाते हुए 7 महल बनवाइए, और सबसे भीतर वाले महल में बाला लखंदर को रखा जाए। उनको जो खाना दिया जाए उसको पहले कोई चख ले। उसका बिछौना रोज झाड़कर अच्छी तरह देखभाल कर बिछाया जाए। उनके खेलने का इंतजाम महल के भीतर ही हो। और भी तरह तरह के उपाय बताए जिसका सावधानी से पालन किया गया, और इसी तरह बाल लखंदर का पालन पोषण होने लगा। राजा की एक बहन थी, उसका नाम था पिसहारी। वही भाई के बच्चों को मार डाला करती थी। वही नागिन थी जो वेश बदलने की कला जानती थी। जब बाला लखंदर को किसी भी तरीके से नहीं मार सकी तो उसने महल बनाने वाले लोहार के पास जाकर कहा कि तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, एक जगह पतला सा सुराख बना दो। जब लोहार ने मना कर दिया तब वो दूसरे लोहार के पास गई और उसे किसी बहाने से वहां से हटाकर कहीं भेज दिया। वहां दीवार मुलायम थी तो उसने स्वयं सुई से छेद कर छेद बना दिया और उस जगह एक निशान बना दिया। जब कारीगर लौटकर आया तो उसने निशान देखते ही समझ लिया कि मुझे जानबूझकर यहां से हटाया गया था। बिसहारी के वहां से जाते ही उसने वो निशान मिटा दिया। दूसरे दिन जब बिसहारी निशान ढूंढकर उस छेद के रास्ते अंदर जाने के लिए वहां पहुंची तो निशान कहीं नहीं मिला। इससे वो उस छेद को नहीं पा सकी। इस प्रकार बाला लखंदर धीरे धीरे 12 साल का हो गया तो राजा से ज्योतिषी ने कहा कि इसके लिए ऐसी कन्या तलाशिए जिसके भाग्य में अक्षय सौभाग्य लिखा हो। तमाम लड़कियों की जन्म पत्री आने लगी। ज्योतिषी उसमें से ग्रह दशा देखकर चुनाव करने लगे। एक कन्या की कुंडली में अक्षय सौभाग्य का योग था, उसी कन्या से विवाह करने का सुझाव दिया। राजा ने धूमधाम से बारात सजाने की तैयारी की। बिसारी बोली कि मैं भी बारात में चलूंगी अपने भतीजे का विवाह देखने। राजा को ज्योतिषी ने कहा कि आप कह दीजिए कि स्त्रियां बारात में नहीं जाएंगी। जब बिसारी ने घोड़े का रूप धारण कर लिया और सजा सजाया घोड़ा बनकर वर को बैठाने के लिए सामने खड़ी हो गई। ज्योतिषी ने कहा, महाराज इस घोड़े पर आप बैठिए, दूल्हा पालकी में जाएगा। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुआ घोड़ा अंतर्धान हो गया और राजा गिरते गिरते बचा। थोड़ी देर में बिसारी हाथी बनकर सामने आ गई। सबने कहा बहुत शानदार हाथी है दूल्हे के लायक, पर ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, राजा साहब इस पर भी बैठकर आप अजमा लीजिए। राजा हाथी पर बैठने को हुए तो हाथी गायब हो गया। फिर वो पालकी बनकर आई। ज्योतिषी ने विचार कर बताया कि ये पालकी टूटी है, इस पर दूल्हा नहीं जाएगा। फिर एक चारों तरफ से बंद पालकी में दूल्हे को बैठाया गया। पूरी सावधानी से बारात ले जाई गई। वहां भी बिसरी तरह तरह के छल करके बाल लखंदर को मारने का प्रयास करती रही, पर ज्योतिषी के बताए अनुसार राजा व्यवस्था करता रहा। शादी हो गई तो दूल्हा दुल्हन को कोहबर में ले जाया गया। दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ दूध से भरे बर्तन रख दिए गए। बिसारी ने तमाम नागों को बाला लखंदर को डसने के लिए भेजा था। सब आए और दूध पी पी कर लौट गए। बारात दुल्हन लेकर वापस लौट आई। सुहागरात में पलंग के चारों पाए के नीचे पानी के कलश रख दिए गए। चारों ओर धूप अगर और दीपक जला दिए गए। उसकी सुगंध से नाग लौट गए। बिसारी ने किसी तरह अपने बनाए हुए छेद को ढूंढ लिया और बहुत पतली नागिन बनकर अंदर घुस आई। दुल्हन को पहले ही सिखा दिया गया था कि तुम बाला लखंदर के चारों ओर ध्यान रखना, सोना नहीं और नाग देवता तथा शंकर पार्वती की प्रार्थना करते हुए बैठी रहना। नागिन आई तो पलंग के पास पहुंचने की कोशिश करे तो पलंग के चारों तरफ आग की ज्वाला जलने लगी। नागिन निराश होकर लौटने लगी तो दुल्हन ने प्रणाम करते हुए कहा, बुआ जी आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुहाग अमर रहे। बिसारी का मन पसीज गया और उसने उसे आशीर्वाद दे दिया। अब वो अपने ही आशीर्वाद को झूठा नहीं कर सकती थी, इसलिए बाला लखंदर को प्राण दान दे दिया।
सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।